फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। सोच बदली तो जैसे नजारा ही बदल गया। सोच का वो दायरा भी जिसने दुनिया की दूसरी आबादी को दोयम दर्जे पर रखा हुआ था, या फिर ये कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो, समय ने करवट ली और दुनिया तेजी से आगे निकल गई। साथ ही नन्नी परी के जन्म लेते ही सोच ने भी जन्म ले लिया कि हमारी बेटी छोरों से कम है क्या। समाज में यही संदेश दे रहा है मेरठ का यह परिवार, जिसने घर में आई पहली बेटी का ऐसा स्वागत किया जिसे देखकर और सोचकर बहू के आंसू भी नहीं थमे कि अब बेटी होने पर कोई किसी को उस नजर से नहीं देखेगा जो लंबे दशकों से जमाना देखता चला आ रहा था। यहां हम बात कर रहे हैं पढ़े लिखे समाज के एक ऐसे परिवार की जिसका मुखिया मूलचंद शर्मा है। उनके पहले बेटी हुई और उसके बाद बेटा। बेटी की शादी के बाद बेटे दीपक शर्मा की स्वाति शर्मा से भव्य तरीके से शादी हुई। समय गुजरा और स्वाति उम्मीद से हो गई। ये वो उम्मीद थी जो समाज को एक नया रास्ता दिखाने की तरफ परवान चढ़ रही थी। फिर वो समय भी आया जब स्वाति ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मेरे घर आई एक नन्ही परी, सरीखा गीत कानों में सभी के गूंज गया। चारों तरफ देखते ही देखते खुशी का माहौल बन गया। जैसा अमूमन होता है, परिवार में किसी के चेहरे पर इस बात की शिकन ना थी कि लड़की हुई है। अस्पताल से बच्ची व उसकी माँ को बेहद प्यार, लाड दुलार और सम्मान के साथ घर लाया गया। इनके स्वागत के लिए घर को दुल्हन की तरह ही सजाया गया था। बच्ची को भी फूलों से सजाया गया था। देखकर लग रहा था कि नन्ही सी जान अपने इस तरह का स्वागत को देख मन ही मन फूली ना समा रही हो। घर के भीतर पहुंचे तो सजावट व परिजनों का लाड प्यार पाकर स्वाति अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। ये स्वागत उस समय में किया जा रहा है जहां अभी भी कुछ घरों या परिवारों में लड़की के जन्म को अभिशाप के रूप में देखा जाता है। आइए पहले सुनते हैं परिवार के मुखिया मूलचंद शर्मा को, वो नन्ही परी का स्वागत करते हुए क्या बता रहे हैं। औरतों का 99% ये होता है औरत होते हुए कि उसके घर लड़की पैदा ना हो, पहली बाद में हो, लेकिन हर एक बाप की इच्छा रहती है कि उसके बेटी पैदा हो। मेरे एक बेटी हुई थी ऋचा, मैं उस दिन भी इतना ही खुश था और आज भी इतना ही खुश हूँ। अब आगे जो भगवान ईश्वर करेगा वो उसमें भी ठीक है। ऐसा है कि मम्मी ऐसा नहीं है कि परेशान है, मम्मी को बहुत जान से प्यारी है। बेचारी चार दिन हॉस्पिटल में रही, पूरी रात बैठ करके इन्होंने उसको पूरी रात बैठ करके मतलब चुप कराया। पहले चाहती थी कि बेटा हो जाए, पर भगवान का आशीर्वाद है और लक्ष्मी आई है घर में और उसे उतना ही प्यार मिलेगा जितना दीदी को मिलता था, और मुझे तो लगता है शायद दीदी से ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट बाइट समाज को एक नई दिशा देने वाले इस वैस जैसे परिवारों को नमन करता है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv।